ब्रेक इवन पॉइंट। मैं इसे समझाने से पहले कुछ मैं दिखा दूं, विजुलाइज करके एक एग्जांपल लेके दिखा दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा, नहीं तो ऐसे मैं समझाता रहता हूं और बच्चों को समझ में आता नहीं जल्दी से वो पॉइंट। तो ब्रेक इवन सर प्लीज फॉर्मूला चार्ट पीडीएफ में, ठीक है ये मैं भेज दूंगा। देखिए दो एग्जांपल है, इवन तीन एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर वन, हमारा सेल्स है, सेल्स है 10,000, वेरिएबल कॉस्ट है 8,000, फिक्स कॉस्ट है 3,000। तो सर यहां पे प्रॉफिट निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता? बड़ी सीधी सी बात है, प्रॉफिट तो निकाला जा सकता है। तो अगर मैं यहां आपसे प्रॉफिट पूछूं तो क्या आएगा प्रॉफिट? तो यहां प्रॉफिट नहीं आएगा, क्या आएगा? लॉस। लॉस कितने का आ गया? 1,000। एक तो आपके सामने ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखिए, सेल्स है दैट इज 10,000, वीसी है 8,000। अब फिक्स कॉस्ट जो है वो 2,000 है, तो अब आपका प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट क्या आएगा या लॉस क्या आएगा? जीरो। अगले पॉइंट पे देखते हैं, आपका सेल्स है 10,000, वीसी है आपका 8,000 और एफसी है आपका 1,000। कोई बच्चा ऐसे ना सोचे कि फिक्स कॉस्ट कैसे चेंज हो रहा है, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। मैंने बस एक एग्जांपल लिया है, यहां पे प्रॉफिट आएगा 1,000। तो मुझे आप बताइए, यहां पे तीन एग्जांपल है, एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, तीन एग्जांपल। आप एक बिजनेसमैन हो, आप ना एक बिजनेसमैन हो और आप बिजनेस करने जा रहे हो। मैं सिंपल सी बात करूं, अगर आपको एग्जांपल वन में रखा जाए और एग्जांपल वन में अगर आपको रखा जाए, आपका बिजनेस का सिचुएशन एग्जांपल वन के जैसा है, क्या आप बिजनेस कंटिन्यू कितने टाइम तक करोगे? लंबे समय तक क्या बिजनेस कर पाओगे आप? तो बड़ी सीधी सी बात है सर, अगर ऐसा एग्जांपल हुआ तो लंबे समय तक तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें क्या हो रहा है? लॉस। लेकिन अगर आपको इस एग्जांपल में रखा जाए, क्या आप लंबे समय तक बिजनेस कर पाओगे? डेफिनेटली। यहां पे आप देखोगे कि क्या पता हमें कुछ प्रॉफिट हो जाए, लॉस तो नहीं हो रहा ना, घर से तो नहीं जा रहा ना कुछ भी, एटलीस्ट सब कुछ तो हम रिकवर कर रहे हैं ना। तो देखोगे, ये उम्मीद रहेगी कि कल हमें प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छा मार्जिन होगा, तो यहां पे आप सस्टेनेबल कर सकते हो। और यहां पे कभी भी आप बिजनेस को बंद करना पसंद ही नहीं करोगे क्योंकि चल रहा है। तो ये वो वाला पॉइंट है, ये वो वाला पॉइंट है जहां पे आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा लेकिन आप अपने बिजनेस को बंद नहीं करते, तो इसको कॉल करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब सर, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वो लेवल जहां पे नो प्रॉफिट और नो लॉस हो। और दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे टीसी इज इक्वल टू सेल्स होता है। जहां पे क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट? तो मैं अगर एक फॉर्मूला लिखूं, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू टीसी, टीसी इज इक्वल टू सेल्स, टीसी इज इक्वल टू सेल्स को मैं क्या बोल सकता हूं? ब्रेक इवन पॉइंट। समझ रहे हो बात को? क्योंकि टोटल कॉस्ट कितना है यहां पे? टोटल कॉस्ट कितना है? 10, और सेल्स भी कितना है? 10। तो जहां पे टोटल कॉस्ट और सेल्स इक्वल हो जाते हैं उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अगर मैं चार्ट के फॉर्मेट में, अभी चार्ट भी है इसमें आगे चल के, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा आइडिया दूं, अगर मैं इसको चार्ट में प्लॉट करूं, ग्राफ आएगा आपके एग्जाम में इसमें, तो अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं तो सिंपल सी बात है, आपका मान लेते हैं सेल्स, सेल्स की लाइन ये जा रही है, ठीक है, सेल्स की लाइन ये जा रही है, इसके बाद टोटल कॉस्ट की लाइन ये जा रही है। तो जिस लेवल पे ये दोनों बराबर हो गए, क्या सेल्स और टीसी, जिस लेवल पे, उसे कॉल करेंगे क्या सर? ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम चार्ट वाले, जब चार्ट वाले क्वेश्चन आएगा ब्रेक इवन चार्ट बनाने को, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है सर, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वो लेवल होता है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो सर यहां पे क्या है सर, यहां पे 1,000 रुपए आपने क्या करा? एक्स्ट्रा कमा लिया। तो इस प्रॉफिट को जो आपने एक्स्ट्रा कमाया है,
इसको हम बोलते हैं डिजायर प्रॉफिट, डिजायर प्रॉफिट बोल देते हैं, डिजायर प्रॉफिट बोल देते हैं। क्या बोलेंगे इसे हम? डिजायर प्रॉफिट बोल देंगे। तो यानी ब्रेक इवन से ऊपर जितना आप कमाना चाहते हो उसको क्या बोलेंगे? डिजायर प्रॉफिट बोल देंगे। अब देख लो, एक चलिए एक एग्जांपल मार्जिन ऑफ सेफ्टी का था, हम उसको अलग से लेंगे। चलिए, यानी सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, तो सर बेसिकली फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, पीवीआर इंटू में 100, ये वो लेवल आएगा। यानी ये जो ब्रेक इवन पॉइंट मैं लिख रहा हूं, ये ब्रेक इवन पॉइंट इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट आने वाला है। जब हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ना, तो इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट आएगा ब्रेक इवन पॉइंट। और इसको मैं दूसरे शब्द में बोल सकता हूं, ये ब्रेक इवन सेल्स है, ये ब्रेक इवन सेल्स है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लॉजिकल है पूरा, यानी आसान है, लेकिन अगर आपने सोचा ना कि रट्टा मार के कर लेंगे तो नहीं, एक सवाल में कई फॉर्मूले लग जाएंगे। दूसरा, अगर हमें ये किस में आया हमारा, इन टर्म्स ऑफ सेल्स यानी रुपीस में, अगर मुझे निकालना हो यूनिट में, ब्रेक इवन पॉइंट किस में निकालना है? यूनिट में, तो वहां पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है सर, दैट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। सीपीयू लिख रहा हूं, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू 100 नहीं होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी सर सीपीयू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। ये किस में आएगा सर आंसर? ये आंसर हमेशा आएगा यूनिट में आएगा, ठीक है ना, ये आंसर यूनिट में आएगा। अब ये आंसर किस में आएगा? रुपीस में। तो कई बार ना ब्रेक इवन पॉइंट को सवाल में बोल देते हैं कि ब्रेक इवन सेल्स निकालिए, तो ब्रेक इवन सेल्स होता क्या है सर? बेसिकली ब्रेक इवन सेल्स होता है हमारा जो हमने ये फॉर्मूला लगाया जब रुपीस में नंबर निकल के आए। कई बार कुछ नहीं बोलता तो आप रुपीस में निकालिए चाहे यूनिट में निकालिए, फर्क ही नहीं पड़ता। कई बार बोल देगा ब्रेक इवन पॉइंट, आप यूनिट में बताइए, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। लेकिन सर क्या इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में? बिल्कुल निकाला जा सकता है। मैं सवाल जो भी करूंगा ना उसको मैं पॉइंट में और यूनिट में दोनों निकाल के बताऊंगा। अगला आता है सर, आप ब्रेक इवन पॉइंट तो कमा रहे हैं, आप ब्रेक इवन पॉइंट बताइए या फिर डिजायर सेल बताइए। डिजायर सेल्स सर, डिजायर सेल्स का मतलब क्या है? जहां पे आप कुछ प्रॉफिट कमाओगे, तो फिक्स कॉस्ट और डिवाइडेड बाय अगर पीवीआर कर दूं तो यहां पे कुछ प्रॉफिट होगा क्या? इसका मतलब क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर का मतलब क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट, इसका मतलब कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो ऐड कर दो, ऐड प्रॉफिट, एड प्रॉफिट। तो ये हो गया डिजायर, कितना सेल्स करो के इतना प्रॉफिट कमा लो, कितना सेल्स करो के इतने प्रॉफिट कमा लो, तो ये डिजायर हो गया। इसके बाद एक और पॉइंट आता है हमारा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हालांकि इसके और भी बहुत सारे फॉर्मूला है, सवाल के साथ साथ करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है एक्चुअल सेल, एक्चुअल सेल माइनस में ब्रेक इवन पॉइंट यानी ब्रेक इवन वाला सेल्स, यानी ब्रेक इवन वाला सेल्स। तो इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि हम इतने सेफ जोन में हैं, अगर इससे नीचे सेल्स गया ना तो हम लॉस में पहुंच जाएंगे, तो उसे बोलेंगे हमारा ब्रेक इवन, और सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MOS। सर ये रुपीज की बात कर रहा हूं मैं, ये किस में निकल रहा है? रुपीज में। कई बार ना ये नंबर में भी निकल सकता है, पर सॉरी परसेंटेज में, तो परसेंटेज वाले का अलग फॉर्मूला है, जैसे जैसे सवाल आता जाएगा मैं करता जाऊंगा। तो आज का जो एजेंडा है ना कि हम ब्रेक इवन पॉइंट के सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम कर पाए। तो चलिए हम देखते हैं एक सवाल ब्रेक इवन पॉइंट पे। पहले आपसे पूछ लिया जाए, किसी का कोई डाउट है तो ठीक, नहीं तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी है अभी एक एक करके। पहले तो आप ये देख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? किसी को डाउट है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट ध्यान से करेंगे हम। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन, कुछ जानकारी गिवन है, सेल्स दे रखा है आपको 2 लाख रुपए। सेल्स क्या दे रखा है? 2 लाख रुपए। चलिए मैं यहां लिख भी लेता हूं, सेल्स 2 लाख रुपए। एंड वेरिएबल आपको कॉस्ट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लो वीसी, वीसी दे रखा है 1 लाख। अगर इन दोनों को हम माइनस कर देना तो हमें एक रिजल्ट निकलता है,
दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है यहां पे? 80,000 रुपए। कहता है फिक्स कॉस्ट हमारा 30 है, तो अगर मैं यहां से, वैसे जरूरत नहीं है अभी माइनस करने का, देखते हैं सवाल पूछता क्या है। फिक्स कॉस्ट कितना है? सवाल में दे रखा है फिक्स कॉस्ट 30,000। 30,000। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, पॉइंट नंबर वन। सिंपल बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट, तो सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला सर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पी वी आर इंटू में 100। चलिए सर फिक्स कॉस्ट तो पता है हमें कितने का है, 30,000 डिवाइडेड बाय पी वी आर। पी वी आर क्या होगा? पी वी आर होता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू में 100। तो सर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, निकाल लिया हमने 80,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 2,00,000 इंटू में 100। तो क्या आया ये देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 2,00,000 इंटू में 100, 40%। 40% आया, इसका मतलब सर 0.4 और इंटू में, अब 40% अगर आप 0.4 करोगे ना तो परसेंट नहीं इंटू 100 नहीं लगाना। अगर आप नीचे क्या लिख रहे हो, नीचे अगर पूरा 40 लिखते हो ना तो 100 लगाना, इस बात का ध्यान रखना। 40 लिखा तो अब हम लगाएंगे इंटू में 100, ठीक है। तो 30,000 डिवाइड 40 इंटू में 100, तो सर 75,000। तो जवाब है कि सर 75,000 रुपये की, अगर हम 75,000 कम तो नहीं निकाला हमने, नहीं, अगर हम 75,000 रुपीज़ का सेल करते हैं तो हमें ना तो प्रॉफिट होने वाला है ना ही नुकसान होने वाला है। एक बार चलो इस बात को प्रूफ भी कर लें, ठीक है ना, एक बार हम इस बात को प्रूफ कर लेते हैं। मैं धीरे धीरे सवाल कराऊंगा और सारी बातों को प्रूफ कर लूंगा, सारी बातों को प्रूफ कर लूंगा। 2 मिनट रुकिए, ठीक है, एक बार इस बात को प्रूफ भी कर लिया जाए। सर चलिए प्रूफ करते हैं। जैसे यहां पे मेरा सेल्स क्या है, बोला सवाल में कि सेल्स आपका 75,000 होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट। तो सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, अगर आपका 40% पीवीआर है तो 60% वेरिएबल होगा। कहाँ लिखा है ये बातें, मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था आपको कि आपका वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज क्या होता है, ये दोनों मिला के होता है। तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ पे निकल सकता है वेरिएबल कॉस्ट, बड़ी सीधी सी बात है। तो सर ये वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा कितने परसेंट, वेरिएबल कॉस्ट होगा 60%। तो 75,000 का 60% दैट इज 45,000। 45,000 माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं तो कितने आए 30,000। अब क्या माइनस कर दें हम, फिक्स कॉस्ट, ये ना वेरीफाई करके दिखा रहा हूं, करना नहीं है आपको एग्जाम में। तो 30,000 का फिक्स कॉस्ट है, तो देखिए प्रॉफिट क्या आया, 0। यानी ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही बातों को बताता है, यही चीजें तो हम प्रूफ कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो। किसी को यहां तक दिक्कत है तो बताएं, फिर हम आगे धीरे धीरे चलते हैं अगले पॉइंट पे। किसी को क्लियर है? सर 75,000 का 60% क्या बताया हिना ने, समझ नहीं आया मुझे, सेल्स का 60, अच्छा इन्होंने बता दिया, ठीक है चलिए यहां तक बातें क्लियर हो गई। तो अगर मैं देखो फिर से अगेन मैं कहूंगा, कुछ बच्चों को देखो डिटेल में मैं बताने लग जाता हूँ ना कोई चीज तो वो कंफ्यूज होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ना ये एग्जाम में नहीं करना, अगर ये सवाल आता है तो एग्जाम में यहीं पे आंसर खत्म हो गया, इसके आगे नहीं करना। ये सिर्फ आपको प्रूफ करने के लिए कराया गया है कि इस तरीके से होता है। सवाल नंबर 2 कहता है हमारा सेलिंग प्राइस रिड्यूस, और हमारा क्या कहता है यहां पे, सेलिंग प्राइस रिड्यूस। चलिए चलिए
पहले हमें एक पॉइंट समझना होगा। दोनों में फर्क होता है, एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस और एक होता है हमारा सेल्स। यहां पे बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। सेलिंग प्राइस को मैं रिड्यूस करके दिखा रहा हूं, यहां सेलिंग प्राइस को रिड्यूस, सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करने का मतलब है कि आपका वेरिएबल कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ना। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आप समझिएगा, देखोगे तो ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला सेल्स है मेरा, सेल्स है मेरा यूनिट के टर्म में 2000, ठीक है। तो यहां भी सर मैं मान लेता हूं सेल्स यूनिट के टर्म्स में 2000। मैं दोनों जगह एक ही एग्जांपल को करूंगा। सेलिंग प्राइस है यहां पे, सेलिंग प्राइस है यहां पे 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 7 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 7 रुपए, फिक्स कॉस्ट है 1000 रुपए। तो सर सेलिंग प्राइस यहां पे भी है 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट यहां पे भी है 7 रुपए, फिक्स कॉस्ट यहां पे भी है 1000। दोनों सवाल मैंने सेम रखा है, दोनों सवाल मैंने एग्जैक्टली सेम रखा है। पहले आप यहां ध्यान दीजिए, दोनों सवाल मैंने एग्जैक्टली सेम रखा है। अब इसमें डिफरेंस देखना, मैंने इस सवाल में कहा, इस सवाल में क्या कहा, मैंने इस सवाल में कहा है, बाकी बच्चे जो बैठे हैं एक बार मैंने रिवाइज करने का टाइम दिया, फटाफट से क्विकली रिवाइज करें। चलो अंदर चलो, आप यहां बैठो आगे, मैं बिठाऊंगा ठीक से। हाँ बस 2 मिनट दीजिए। मैंने कहा कि आपका सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुआ 10% से, और यहां बोला मैंने सेल्स रिड्यूस हुआ 10% से। अब दोनों देखने में और समझने में एक जैसा ही लग रहा है कि सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुआ 10% से और यहां पे सेल्स रिड्यूस हुआ 10% से, लेकिन दोनों के आंसर में देखना कितना फर्क आ जाएगा। सेलिंग प्राइस रिड्यूस होने का मतलब सर, अब मैं यहां पे प्रॉफिट चार्ट बना रहा हूं, तो सर प्रॉफिट चार्ट बनाने का मतलब किस तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट चार्ट में सेल्स होगा सर, सेल्स होगा हमारा, सेलिंग प्राइस रिड्यूस 10% से हो गया, मींस अब ये रहने वाला है हमारा 9 रुपए, अब ये रहने वाला है 9, तो यहां पे आएगा 18000, 18000। वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपए और 2000 के हिसाब से 14000। यहां आया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन 4000, माइनस करेंगे हम एफसी फिक्स कॉस्ट 1000, प्रॉफिट कितना आया 3000। अब दूसरी साइड में देखिए, यहां पे सेल्स क्या होगा, सर कहता है सेल्स को रिड्यूस करो, यानी सर हमारा जो सेल्स है उसको रिड्यूस करना है, यानी यूनिट जो हमारे 2000 बिक रहे थे अब 2000 यूनिट नहीं बिक पाएंगे सर, ये 10% से कम बिकेंगे, दैट इज 1800 यूनिट बेच पाऊंगा मैं। सेल्स रिड्यूस करने का मतलब, पहले मैं 10 यूनिट बेच रहा था, अब मैं कम बेच पाऊंगा, तो अब सेल्स जो आएगा वो क्या आएगा सर, 1800 × 10, यानी सर 18000। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा सर, वो भी 1800 × 7 हो जाएगा, यानी वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो 1800 × 7 12600, और कंट्रीब्यूशन सर, कंट्रीब्यूशन 5400। माइनस क्या करोगे सर, एफसी, एफसी कितना माइनस करें 1000, तो जवाब देखिए यहां पे क्या आ गया 44। तो अब आपको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस के रिड्यूस होने में और सेल्स के रिड्यूस में। सेल्स रिड्यूस होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी रिड्यूस होता है, लेकिन सेलिंग प्राइस के रिड्यूस होने पे वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं यहां पे सेल्स को कहूं
सेलिंग प्राइस को मैं कहूं 20% रिड्यूस हो गया, चलो मैं यहां करके दिखा रहा हूं। चलिए एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल और, सेलिंग प्राइस और डाउन कर रहा हूं मैं किससे, 20% से। तो सर अब हमारा सेल्स पता है कितना होगा, ये हो जाएगा 8, यानी 16,000। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा सर, वो रहेगा हमारा कितना, 14,000। तो देखिए इस वाले सिचुएशन में वेरिएबल कॉस्ट सेम है, यहां पे भी सेम है, लेकिन यहां वाले सिचुएशन में वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, बदल गया। तो ये बातें आपको समझना है। यहां पे कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन 2000, प्रॉफिट माइनस करके कुछ अलग पॉइंट आ जाएगा। पहले तो आप सिंपल सी बात करिए कि सेलिंग प्राइस का रिड्यूस होना और सेल्स का रिड्यूस होना दोनों बातें अलग है, बच्चे समझ नहीं पाते इस क्वेश्चन में। देखो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि हमारा सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया बाय 10%। तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार सेल्स को रिड्यूस कर देते हैं, तो दिक्कत हो जाती है वहां पे। बाकी इस तरीके का क्वेश्चन और भी आगे आएगा, पहले यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक कोई डाउट है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, यहां तक किसी को डाउट है, यहां तक किसी को डाउट है, सभी ने बोल दिया नहीं सर यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो मैं अगला पॉइंट करने जा रहा हूं। कुछ बच्चों का ये भी सवाल आया, सर सेलिंग प्राइस कहां है। देखो ये मैंने समझाने के लिए एक्स्ट्रा बताया, यहां सेल्स को ही सेलिंग प्राइस मानेंगे, मैं इसलिए बता रहा था। अब मैं ना सेल्स को रिड्यूस करूंगा, सेल मतलब क्या कर रहा हूं, मैं सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली मेरा सेल्स रिड्यूस हो जाएगा। क्या वेरिएबल कॉस्ट भी मेरा रिड्यूस होगा यहां पे, जवाब दीजिए मुझे। मैं अगले पेज पे आ जाता हूं, अगले पेज पे आ जाता हूं। मेरा सेल्स था सर, सेल्स कितने का था, 2 लाख का, और वेरिएबल कॉस्ट कितने का था, 1,20,000। एफसी कितने का था सर, 30,000 का। तो मैं निकालने वाला हूं यहां पे क्या बोलता है, ब्रेक इवन पॉइंट बनाओ, ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या था सर, ब्रेक इवन पॉइंट था हमारा सर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, पीवीआर इनटू में 100। तो सर इस सवाल के हिसाब से देखा जाए तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकालना है तो ब्रेक इवन के लिए फिक्स कॉस्ट तो 30 है, लेकिन अगेन अब पीवीआर चाहिए। अब यहां समस्या आ जाता है आपको, पीवीआर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इंटू में 100। सर लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब आप बोलते सर सेल्स क्या होगा, मैंने बोला सेल्स को रिड्यूस करो कितने परसेंट से, 10% से रिड्यूस करो। तो यहां पे सेल सेलिंग प्राइस का रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ सेल्स रिड्यूस हो जाएगा, और सेल्स रिड्यूस होने का मतलब हो जाएगा हमारा 1,80,000, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगा। अगर मैं ये कहानी आपको नहीं समझाता तो जरूर पूछते सर सेल्स रिड्यूस हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट क्यों नहीं रिड्यूस हुआ। उसका जवाब यहाँ पे है कि वेरिएबल कॉस्ट अगर हमारा सेलिंग प्राइस डाउन होगा तो वेरिएबल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ये देखिए आप, मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकाल दिया, सर कंट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है हमारा 60,000, और यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, 60,000 डिवाइडेड बाई 1,80,000 इंटू में 100, 60,000 डिवाइडेड बाई 1,80 इंटू में 100, 33% 0.333 1/3 जो मर्जी बोल लो आप, यहां पे मैं कर देता हूं 33.333 इंटू में 100। तो सर 30,000 डिवाइडेड बाय 33, और कैलकुलेटर में पूरा करना है आपने इंटू में, तो आपका एग्जैक्ट डिजिट आ जाएगा। तो सर अगर आप अब 90,000 रुपए के सामान बेचोगे ना, अगर सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर देते हो, तब आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहोगे। इसका आप जैसे मैंने प्रूफ किया था, आप प्रूफ करके उस काम को कर सकते हो, इसका आप जैसे मैंने प्रूफ किया था प्रूफ करके कर सकते हो। क्लियर है यहां तक, किसी को दिक्कत। बच्चे कह रहे हैं सर सेलिंग प्राइस 100 भी ले सकते हैं, 100 लेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको, आप लेके यूनिट, बाकी ऐसे क्वेश्चन और आएंगे। मेरा मेन एजेंडा है कि आपके मन में एक सवाल आ जाता जो मुझे लगता है, जिसके नहीं आया बहुत अच्छी बात है, कि सर वेरिएबल कॉस्ट सेल तो डाउन कर दिया, तो अगर हमारा सेल्स कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो कम होगा। बच्चे ये क्वेश्चन रेज करते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट क्यों नहीं कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेल्स डाउन नहीं हुआ है, सेलिंग प्राइस डाउन हुआ है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट कम नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है यहां तक क्लियर। चलिए
एक और सवाल पे, ये पॉइंट नंबर था हमारा सेकंड। सेकंड के बाद आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट, क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड बोलता है सर ब्रेक इवन वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज कर दो। ठीक है सर, वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज कर दो, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर दो आप। तो सर पॉइंट नंबर थ्री, सर सेल्स हमारा फिर से हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का वही फॉर्मूला रहेगा जो साइड में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर इनटू में 100। सर फिक्स कॉस्ट कितने का है? 30। पीवीआर निकालना पड़ेगा, पीवीआर के लिए क्या चाहिए? सेल्स, पीवीआर का फॉर्मूला, पीवीआर का फॉर्मूला, पीवीआर इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इंटू में 100। सर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स माइनस में वीसी। सर सेल्स क्या है? सेल्स में कोई बदलाव नहीं है, सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला उसने। कहा सर वेरिएबल कॉस्ट कम करेंगे हम, इंक्रीज करेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट को जब आप इंक्रीज करोगे तो अब आपका वेरिएबल कॉस्ट 1:20 नहीं आएगा। कितने परसेंट इंक्रीज करना है सर? 10%। यानी सर वेरिएबल कॉस्ट अब आएगा आपका 1,32,000, यानी 12,000 रुपये इंक्रीज होके आएगा। तो यहां पे कंट्रीब्यूशन क्या आएगा हमारे रिजल्ट में? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 68,000। अब हम यहां फॉर्मूला में रखेंगे, एक मिनट, फॉर्मूले में रख देंगे यहां पे। सर क्या आएगा कंट्रीब्यूशन? 68 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू में 100, दैट इज कंट्रीब्यूशन। तो क्या आएगा? 68 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू में 100, 34%। तो ये जवाब आ गया 34%। अब यहां रखते हैं 34 इंटू में 100। तो सर 30,000 डिवाइडेड बाई 34 इंटू में 100, तो ये जवाब आ गया सर, जवाब आ गया 88,235। दैट्स इट। ये था पॉइंट नंबर हमारा थ्री, सी कह लो, थ्री कह लो, जो भी दे रखा था ये पॉइंट था। चलिए एक और क्वेश्चन लास्ट है। क्या कहता है यहां पे? सर यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, अगर फिक्स कॉस्ट ही बढ़ जाए, अगर फिक्स कॉस्ट ही बढ़ जाए 10%, तो अगेन ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला जो लगाते आए, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू सेल्स, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ये क्या होगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पी वी आर इंटू में 100। सर फिर से आपको पी वी आर चाहिए, और पी वी आर क्या कहता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इंटू में 100। सर अगर आपको पी वी आर निकाल लिया आपने, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स कर लिया है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पहले निकाल लीजिए। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? सेल्स माइनस वेरिएबल। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, सेल्स माइनस में वेरिएबल, तो 1,20,000 है, तो डायरेक्टली आ गया ये कितना सर? 80,000। और अगर पीवीआर निकाले तो कितना आएगा हमारा? पहले ही निकाल रखा था हमने वैसे, 80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू में 100, दैट इज 40%। क्या आ गया ये? 40%। चलिए फिक्स कॉस्ट अब आपको रिड्यूस करना है ना, इंक्रीज था रिड्यूस था, इंक्रीज 10%, तो अब 30 की जगह पे आप लोगे 33,000, 10% बढ़ेगा। फिक्स कॉस्ट 30 का था, 10% प्लस कर दो, तो 33,000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 100, इंटू में 100, 33,000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 100 आपका आएगा 82,500, 82,500।